हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आप सबका स्वागत है जुरासिक वर्ल्ड का एक और नया एपिसोड में। एंड गाइस, जैसे आप लोग देख रहे हो, कुछ एपिसोड है जो ना अपना किस्मत इतना ज़्यादा ख़राब है कि यहाँ पे जितना भी हम लोग इवेंट्स में बैटल ले रहे हैं, यहाँ पे कुछ भी हमें अच्छा चीज़ें मिले नहीं जा रहा है। रिवॉर्ड की रेयर की सुपर रेयर नहीं तो भाई DNA ऐसा रिवॉर्ड यहाँ पे मिले जा रहा है। हम लोग ने यहाँ पे एक लूनर वाला जो इवेंट था वहाँ पे भी बैटल लिया था, एंड वहाँ पे लगा था कि हमें कॉम्पी मिल जाएगा, बट वहाँ पे वो भी किस्मत साथ नहीं दिया। एंड वहाँ पे भी हमें कुछ अच्छा नहीं, हमें तो वहाँ पे बस एक रेयर वाला डाइनो मिल गया था। सो आज जाके जो है ना हम लोग वापस से देखने वाले कि कौन सा वाला इवेंट आया, एंड कौन सा इवेंट में कौन सा वाला मतलब हमें यहाँ पे रिवॉर्ड मिलने वाला है। जहाँ पे सबसे OP वाला रिवॉर्ड होगा ना, वहीं पे हम लोग बैटल लेने का कोशिश करेंगे, एंड OP से OP रिवॉर्ड क्लेम करने का कोशिश करेंगे। एंड आज के लिए तो बस यही विश करेंगे कि आज हमें कुछ OP सा डाइनो मिल जाए ऐसा रिवॉर्ड। तो देखते हैं आज क्या होने वाला है। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स गो। सो यहाँ पे अपना चीज़ें जो कलेक्शन है, इट्स डन इज़ द डन बोलने से भी यहाँ पे ये आ चुका है DNA। सो हम लोग ने ये सब चीज़ें कलेक्ट कर लिया। अभी चलते हैं इवेंट के डोर्स, यहाँ पे देखते कि कौन सा आया है। तो यहाँ पे वापस से जो लूनर वाला है ना, वो यहाँ पे आया हुआ है। हमें यहाँ पे जो है रियर डाइनो तो ऑलरेडी मिल चुका है, तो आई जस्ट होप कि दिस टाइम हमें जो है ना ये सब डाइनो मिल जाए जो मैं होप कर रहा। सो देखते कि यहाँ पे क्या होने वाला है। सो यहाँ पे शुरू करते हैं, एंड लेट्स सी आज क्या कर सकते हैं। सो फिर यहाँ पे हम लोग उड़ने वाले कि नहीं वो मेरे को नहीं पता, बट हम लोग यहाँ पे ये लेके जाके देखते हैं कि हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं। स्टार्टिंग में ऐसे भी हम लोग उसको उड़ा नहीं पाएंगे, तो हम लोग कर रहे पॉइंट्स को होल्ड। एंड यहाँ पे देखते हैं कि ओपोनेंट क्या करता है। अभी हम लोग ने इतना ज़्यादा हाई लेवल का डाइनो भी लेके नहीं गया जैसे हम लोग पिछले बार लेके गए थे। सो इसलिए हम लोग वापस से पॉइंट्स को कर रहे हैं होल्ड। दो शील्ड में ज्यादा सही है। अभी यहाँ पे ओपोनेंट के पास है वापस से 2 पॉइंट्स, एंड वापस से खास कुछ किया नहीं। तो हम लोग एक काम करते हैं, जितना भी अपना पॉइंट्स है ना हम लोग सब दे रहे अटैक पे। तो यहाँ पे 2 शील्ड में दिया था, फिर भी यहाँ पे ओपोनेंट का जो डाइनो है वो यहाँ पे डाउन हो चुका है। फर्स्ट तो एक ही डाइनो रहता है, तो यहाँ पे हम लोग ने काफ़ी इजीली उड़ा दिया। अभी बाद में देखते हैं कि यहाँ पे कौन सा वाला डाइनो लेके आता है। सो हमें टोटल निकाला है यहाँ पे 5 बैटल, जिसमें से हम लोग ने एक निकाल लिया है। अगर हम लोग ने वैसे करते रहा ना तो भाई हम लोग बहुत जल्दी आगे पहुँचने वाले। बट देखते कि यहाँ पे आज हम लोग कौन सा रिवॉर्ड मिलता है। सबसे ज़्यादा दिक्कत तो इस बात की है कि यहाँ पे हमें कौन सा वाला रिवॉर्ड मिलने वाला है, क्योंकि पिछले बार जो रिवॉर्ड था ना वो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग था इतना बैटल लेने के बाद। तो दिस टाइम होप कर रहे हैं कि यहाँ पे बस हमें कुछ अच्छा सा रिवॉर्ड दे दे। अभी यहाँ पे जितना जल्दी हो सके हमें बैटल एंड करनी है। सो अभी भी ओपोनेंट कुछ खास कर नहीं रहा है, तो वापस से हम लोग अपना पॉइंट्स को कर रहे होल्ड। एंड लेट्स सी यहाँ पे क्या होता है। ओके, यहाँ पे 2 अटैक फाइनली कर दिए, एंड अपना हेल्थ काफ़ी हद तक कम कर दिया। सो हम लोग भी यहाँ पे डायरेक्टली कर रहे अटैक, एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पे ओपोनेंट का फर्स्ट डाइनो को उड़ा ही देते। सो इसके साथ ओपोनेंट का यहाँ पे फर्स्ट डाइनो डाउन हो चुका है। अभी आता है नेक्स्ट डाइनो। अगर हम लोग ने इसको भी उड़ा दिया तो यहाँ पे हम लोग सेकेंड बैटल भी जीत जाएंगे, तो ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होनी चाहिए। एंड यहाँ पे अपना फर्स्ट डाइनो डाउन होते हुए, तो अभी यहाँ पे ओपोनेंट के पास एक भी पॉइंट शील्ड में नहीं होगा, तो अपने पास अभी तो एडवांटेज है। तो जितना भी पॉइंट्स है ना हम लोग सब दे रहे अटैक में। एंड ये फाइनल अटैक के साथ यहाँ पे ओपोनेंट का सेकेंड डाइनो भी डाउन हो चुका है, एंड हम लोग यहाँ पे सेकेंड बैटल भी जीत चुके हैं। अभी हमें 3 और बैटल लेना है। मैं जल्दी जल्दी बैटल एंड इसलिए कर रही हूँ ताकि हमें भाई यहाँ पे कुछ OP सा रिवॉर्ड मिल जाए ना, भाई मज़ा आ जाता, बट ऐसा बहुत कम ही होता है। सो अभी बोल भी नहीं सकते। अभी देखते हैं कि यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग क्या कर सकते हैं। अभी कौन सा वाला डाइनो लेके जाए। ओके, विल गो विद दिस। एक मिनट, मैंने ये फ्लायर क्यों लिया, मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आया, एंड इसको मैं लेके क्यों जा रहा। सो एक काम कर लेते हम लोग, सबसे पहले लेके चलते इसको, एंड आफ्टर दैट इसको, एंड वेट। हम लोग यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है कि हमें कौन सा वाला डाइनो लेके जाना चाहिए। सो हम लोग यहाँ पे इतना ज़्यादा मतलब हाई लेवल का डाइनोस लेके नहीं जाने वाले, क्योंकि हमें पता है कहीं ना कहीं हम लोग ये बैटल निकाल ही लेंगे। फिर भी यहाँ पे अभी कोशिश कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग में पॉइंट्स को करते होल्ड। यहाँ पे ओपोनेंट का जो डैमेज है वो कुछ ज़्यादा ही है, तो मेरे को लगता है कि चांसेस काफ़ी ज़्यादा है कि ओपोनेंट हमें उड़ा दे। एंड मैं बोलते ही यहाँ पे ओपोनेंट ने अपना जो डाइनो उसको यहाँ पे डाउन कर दिया। सो यहाँ पे आता है अपना सेकेंड डाइनो, एंड अपने पास है अभी 3 पॉइंट्स। तो हम लोग यहाँ पे 3 पॉइंट्स ही दे रहे अटैक में, एंड ये अटैक के साथ ओपोनेंट का भी फर्स्ट डाइनो डाउन हो चुका है। अभी आता है नेक्स्ट डाइनो ओपोनेंट का।
तो ओपोनेंट का यहाँ पे डैमेज है काफ़ी ज़्यादा। अच्छा तो यहाँ पे वापस से ओपोनेंट ने कर दिया अटैक एंड अपना डाइनो वापस से हो चुका है डाउन। अभी यहाँ पे आता है अपना थर्ड डाइनो, पूरा पाएगा क्या? ओके मेरे को चांसेस थोड़े कम लग रही है, तो एक काम कर लेते हैं, हम लोग कर लेते हैं पॉइंट्स को होल्ड, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि 3 पॉइंट में मैं इसको उड़ा पाऊँगी, तो इसलिए हम लोग ने पॉइंट्स को होल्ड कर दिए। अभी बस देखना है कि क्या होगा। सो ओपोनेंट ने यहाँ पे खास कुछ किया नहीं, तो हम लोग यहाँ पे सब अटैक में दे रहे एंड वापस से यहाँ पे ओपोनेंट दी थी 3 पॉइंट शील्ड में, बट आई होप कि 4 पॉइंट से हम लोग यहाँ पे ओपोनेंट को उड़ा पाए। उड़ गया क्या? ओके यहाँ पे लकीली ओपोनेंट का यहाँ पे फाइनल डाइनो भी उड़ चुका है एंड हम लोग ने यहाँ पे एक और बैटल निकाल लिया है। वो भाई बैटल तो काफ़ी इजीली हम लोग निकाल पा रहे हैं, बट बाद में जाके क्या होने वाला है वो दिक्कत होने वाली है। अभी यहाँ पे आता है, सबसे पहले आया कार्निवरस, आफ्टर दैट विल गो विथ वाटर टाइप एंड फाइनली हमें चाहिए एक फ्लाइंग टाइप। सो हियर वी गो, अभी हम लोग ने यहाँ पे डायनोस को ले लिए, अभी यहाँ पे देखना है कि हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं। तो अभी ओपोनेंट का फर्स्ट अटैक है, तो ये भी सही है। तो ओपोनेंट ने स्टार्टिंग में अपना डायनो जो उसको कर दिया स्वाइप एंड अपने पास 2 पॉइंट्स है, तो हम लोग भी कर रहे हैं अपना डायनो को स्वाइप। इसके बाद हम लोग पॉइंट को कर रहे होल्ड। तो अभी ओपोनेंट के पास यहाँ पे 2 पॉइंट्स है, जितना मेरे को लगता है कि वो डायनो स्वाइप करने वाला था एंड यहाँ पे कर भी दिया, वापस से अटैक नहीं किया तो अच्छी बात है। सो हम लोग भी करेंगे अपना डायनो को स्वाइप एंड वापस से अपना जो पॉइंट्स है ना उसको हम लोग यहाँ पे कर रहे होल्ड। सो अभी ओपोनेंट के पास 3 पॉइंट्स है, तो लेट्स सी वो डायनो को स्वाइप करता है अटैक करता है। सो 3 में से 3 पॉइंट अटैक कर दी, वाह भाई अपना हेल्थ काफ़ी हद तक कम कर दिया उसने 3 अटैक में। तो थोड़ी हम भी पीछे हटेंगे, हम लोग भी यहाँ पे कर रहे 3 पॉइंट अटैक। सो यहाँ पे ये 3 अटैक के साथ ओपोनेंट का यहाँ पे फर्स्ट डायनो डाउन हो चुका है, बट आपको पता है कि ये कॉम्बी के साथ थोड़ा टाइम लगने वाला है क्योंकि ये कॉम्बी का बहुत ज़्यादा ही सीन रहता है। तो अभी यहाँ पे देखते हैं कि ओपोनेंट क्या करता है। ओपोनेंट ने 4 में से ओके इतना पॉइंट अटैक कर ही दी, सो देने से 1 पॉइंट शील्ड में दिया होगा। तो हम लोग एक काम कर लेते हैं, अपना जो है यहाँ पे कर रहे 2 पॉइंट अटैक एंड 4 पॉइंट को हम लोग यहाँ पे कर रहे होल्ड। सो यहाँ पे ओपोनेंट का फर्स्ट जो कॉम्बी है वो उड़ चुका है, अभी हमें 2 और कॉम्बी को उड़ाना है यहाँ पे। अभी 4 पॉइंट्स डायनो को कर दी स्वाइप, सही है एंड वापस से कुछ किया नहीं। तो हम लोग एक काम कर लेते हैं, हम लोग भी कर लेते हैं डायनो को स्वाइप, उसके बाद 3 अटैक एंड 4 पॉइंट को वापस से कर रहे होल्ड। वाह भाई 3 में से 3 ही पॉइंट शील्ड में दिया था, मेरे को लगा नहीं था कि वो 3 पॉइंट शील्ड में देने वाला है, पर यहाँ पे दे दिया है। अभी यहाँ पे क्या ही कर सकते हैं, अभी वापस से कुछ किया नहीं, तो देखते हैं कि यहाँ पे 4 पॉइंट वापस से शील्ड में दिया होगा क्या। ओके वेरी नाइस विथ समथिंग डिफरेंट, अभी वापस से देख लेते हैं। ओके हम लोग एक बार और एक बार 4 बार मतलब अटैक करके देखते हैं, अगर उसने दिस टाइम भी 4 इसमें दिया तो हम लोग बाद में जाके जो है ना यहाँ पे अपना सब पॉइंट देके यहाँ पे ओपोनेंट को उड़ाने वाले। ओके यहाँ पे कुछ अलग ही सीन चल रहा है, 3 पॉइंट में उड़ने वाला है, तो हम लोग दे रहे हैं यहाँ पे 7 पॉइंट्स एंड एक पॉइंट को कर रहे होल्ड। सो यहाँ पे 7 पॉइंट्स अटैक करते हुए यहाँ पे ओपोनेंट का सेकेंड डायनो भी डाउन हो चुका है। यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही मतलब होल्ड शील्ड चल रहा था, इसे यहाँ पे थोड़ा टाइम लगा, बट एट द एंड हम लोग ने यहाँ पे ओपोनेंट को उड़ाई दिया है। अभी यहाँ पे क्या करता है देखते हैं। सो यहाँ पे ओपोनेंट ने अपना जो फ्लाइंग टाइप डायनो है उसको भी यहाँ पे उड़ा दिया है। सो अभी यहाँ पे 1 ही पॉइंट शील्ड में होगा, तो हम लोग एक करते हैं 2 पॉइंट एंड यहाँ पे शील्ड पे दिया हम लोग ने 3 पॉइंट। सो यहाँ पे 2 पॉइंट के साथ यहाँ पे ओपोनेंट का कॉम्बी और एक डाउन हो चुका है। अभी यहाँ पे ओपोनेंट के पास बचता है 4 पॉइंट्स। ओके 4 में से 4 ही पॉइंट अटैक कर दी। सो अपने लिए अच्छा है कि यहाँ पे रास्ता बिल्कुल साफ हो चुका है, तो अपने पास जितना भी पॉइंट्स है ना हम लोग यहाँ पे सब दे रहे अटैक में एंड ये फाइनल अटैक के साथ यहाँ पे ओपोनेंट का फाइनल डायनो भी डाउन हो चुका है। हम लोग यहाँ पे बैटल जीत गए। जब भी ये कॉम्पी आता है ना यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो जाती है, आपको पता है कि उसको हमें 3 बार मारना होता है, जितना ज़्यादा डैमेज क्यों ना दे वहाँ पे एक ही कॉम्पी डाउन होता है, तो इसलिए हमें यहाँ पे बहुत ध्यान से ये करना पड़ता है। अभी यहाँ पे अभी जस्ट बचा है फाइनल बैटल, अगर हम लोग ने ये फाइनल बैटल निकाल लिया तो अपना यहाँ पे होने वाला है काम 25। सो अपना डायनोस फाइनल डायनोस को हम लोग यहाँ पे लेके जा रहे हैं, यहाँ पे देखते हैं कि अभी हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं। भाई ओपोनेंट के पास वापस से कॉम्पी आ चुका है, स्टार्टिंग में पॉइंट्स को कर रहे होल्ड।
अभी यहाँ पे देखते कि हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं। ओपन ने डाइनो को कर दिए स्वाइप। ओके ये सही है। सो हम लोग वापस से कर रहे हैं अपना पॉइंट्स को होल्ड। हम लोग अभी अटैक करना स्टार्ट नहीं करेंगे, हमें लगा ही था उसने यहाँ पे शील्ड में दिया होगा बोल के। सो अभी दो पॉइंट्स यहाँ पे, दो में से दो अटैक करते हुए ओपोनेंट ने अपना जो डायनो उसको यहाँ पे उड़ा दिया है। सो हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग करेंगे अपना डायनो को स्वाइप एंड उसके बाद एक अटैक एंड चार पॉइंट्स को कर रहे होल्ड। तो यहाँ पे एक अटैक के साथ यहाँ पे कोम भी एक डाउन हो चुका है। अभी टू मोर। ओके तीन में से तीन ही अटैक कर दी भाई, ये चीज़ मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट यहाँ पे ओपोनेंट ने उड़ा दिया भाई। मेरे को लगा नहीं था कि वो उड़ाने वाला है। सो एक काम कर लेते हैं, हम लोग यहाँ पे देते एक पॉइंट, दो पॉइंट, दो पॉइंट शील्ड में एंड चार पॉइंट को हम लोग ने कर दिए होल्ड। तो दो अटैक के साथ यहाँ पे सेकेंड कॉम्पी भी डाउन हो चुका है। अभी ओपोनेंट के पास है वापस से चार में से उसने चार ही पॉइंट अटैक कर दिए, तो सही है भाई। अपना हेल्थ काफ़ी हद तक कम हो चुका है, अगर एक भी फटका पड़ाना तो हम लोग यहाँ पे उड़ने वाले। सो हम लोग दे रहे हैं यहाँ पे दो पॉइंट पे चार एंड दो पॉइंट को वापस से हम लोग यहाँ पे कर रहे होल्ड। सो यहाँ पे ओपोनेंट का हम लोग ने कॉम्पी को तो उड़ा दिया है। अभी यहाँ पे आता है ओपोनेंट का भाई ग्रास टाइप, अगर इसको थोड़ा थोड़ा डैमेज बढ़ने लगा ना भाई, हमें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। सो एक बार चांस लेते हैं, हम लोग यहाँ पे पाँच पॉइंट को वापस से कर रहे शील्ड में दे रहे। तो यहाँ पे ओपोनेंट भी खास कुछ कर नहीं रहा है, अभी दिखते कि वो क्या करने वाला है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिस्की होने वाला है। सो ओपोनेंट ने यहाँ पे चार पॉइंट ही अटैक कर दी। ओके अभी हमें क्या करना चाहिए, हम लोग ओपोनेंट को उड़ा तो सकते बट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिस्क हो रहा है। सो हम लोग यहाँ पे देते चार पॉइंट को वापस से शील्ड में, एक पॉइंट को हम लोग ने कर दिए होल्ड। सो ओपोनेंट ने वापस से यहाँ पे कर दी चार पॉइंट को अटैक। अभी हम लोग बढ़ा भी नहीं सकते, घटा भी नहीं सकते, तो समझ में नहीं आ रहा कि करे तो करे क्या। सो हम लोग यहाँ पे तीन पॉइंट अटैक कर रहे हैं, दो पॉइंट को दे रहे शील्ड में एंड मेरे को पता है कि वो शील्ड काम नहीं आने वाला है, फिर भी हम लोग यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। अभी यहाँ पे आता है ओपोनेंट का फाइनल डायनो, उसका एक भी फटका पड़ाना अपना डायनो उड़ने वाला है भाई, इतना तो मेरे को पता है। बट उसने यहाँ पे तीन ही अटैक किए एंड इसके साथ अपना फाइनल डायनो भी उड़ चुका है। मेरे को लगा था कि हम लोग ये बैटल आराम से निकाल पाएंगे बट यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट हुआ एंड हम लोग यहाँ पे जो है ना फाइनल बैटल निकाल नहीं पाए। सो हम लोग एक और बार कोशिश कर लेते हैं एंड यहाँ पे देखते कि हम लोग यहाँ पे बैटल निकाल पाते हैं कि नहीं। सो ग्रास टाइप लेके जाना थोड़ा दिक्कत हो सकती है हमें। सो अभी लगता है कि हमें वापस से अपना जो कैश है उसको यूज़ करना पड़ेगा एंड उसके बाद जाना पड़ेगा भाई। हम लोग का बहुत ज़्यादा ग्रीन कैश जा चुका है एंड दिस टाइम भी अगर अच्छा डायनो नहीं मिला ना काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग होने वाला है। अभी देख लेते हैं कि यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं। सो स्टार्टिंग में हम लोग करते हैं पॉइंट्स को होल्ड, दिस टाइम अपना फर्स्ट चांस है, तो देखते हैं कि हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं। सो अभी यहाँ पे ओपोनेंट ने कर दिया डायनो को स्वाइप। ओके एंड उसने वापस से यहाँ पे अटैक की नहीं, तो हम लोग भी कर रहे हैं यहाँ पे डायनो को स्वाइप, उसके बाद अपना पॉइंट्स को कर रहे होल्ड एंड अभी यहाँ पे ओपोनेंट देखते कि वो क्या करने वाला है भाई। मेरे को लगा नहीं था कि इतना इजीली हम लोग यहाँ पे हार जाएंगे बट हम लोग काफ़ी इजीली अपना यहाँ पे पेटी बन गया था। तो हम लोग वापस से अपना डायनो को करेंगे स्वाइप एंड उसके बाद यहाँ पे जो चार पॉइंट्स है उसको कर रहे हो होल्ड। अभी एक शील्ड में लेफ्ट से, अभी ओपोनेंट के पास है थ्री पॉइंट्स एंड थ्री में से थ्री पॉइंट ही अटैक कर दिए, वेरी नाइस। सो थ्री में से थ्री पॉइंट ही अटैक करते हैं, ओपोनेंट ने अपना डायनो का हेल्थ काफ़ी हद तक कम कर दिया, तो हम लोग भी यहाँ पे कर रहे तीन पॉइंट को अटैक एंड चार पॉइंट को कर रहे होल्ड एंड एक हम लोग ने दिया शील्ड में, जो कुछ ज़्यादा खास काम नहीं आने वाला है, फिर भी हम लोग ने यहाँ पे दे दिया है। अभी अभी आता है यहाँ पे ओपोनेंट का कॉम्पी भाई, ये कॉम्पी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत देती है। यहाँ पे देखते हैं, उसने चार में से चार ही पॉइंट अटैक कर दी, वेरी नाइस। सो अभी हम लोग एक काम कर लेते हैं, हम लोग कर लेते हैं डायनो को स्वाइप, उसके साथ यहाँ पे दे रहे दो अटैक में एक शील्ड में एंड चार पॉइंट को वापस से कर रहे होल्ड। अरे हो जा, हो क्यों नहीं रहा। ओके यहाँ पे उसने एक भी पॉइंट इसमें नहीं दिया था, तो इसका यहाँ पे बच गया भाई, हमने वो चीज़ याद किया नहीं। अभी ओपोनेंट के पास है चार पॉइंट, चार में से चार ही पॉइंट अटैक कर दी एंड अपना डायनो का जो है ना यहाँ पे बन चुका है पीटी, वेरी नाइस। अभी हम लोग दे रहे एक पॉइंट तीन शील्ड में एंड चार पॉइंट को कर रहे होल्ड। सो एक पॉइंट के साथ
ओके भाई, यहाँ पे कुंभ भी नहीं उड़ रहा क्योंकि उसका हेल्थ ज़्यादा था। मेरे को लगा था कि वो और एक उड़ेगा, बट वैसा कुछ हुआ नहीं है। सो अभी हम लोग क्या ही कर सकते हैं, एक काम कर लेते हैं, हम लोग देते दो अटैक में, दो शील्ड में, एंड 4 पॉइंट को वापस से कर रहे होल्ड। तो यहाँ पे 4 पॉइंट ही इसमें था। वेरी नाइस। अभी हम लोग डायरेक्ट उसको 1000 डैमेज देने से भी उसका कॉम्बी उड़ने नहीं वाला। सो वो कुछ अलग ही सीन होने वाला है। तो देखते हैं यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते। उस कॉम्बी ने यहाँ पे, ओ भाई वापस से देख रहे हो, 1 1 2 3 4 1 2 3। सो हियर वी गो। अभी हम लोग ने एक अटैक कर दी और एक कॉम्बी तो उड़ेगा, बट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। सो अभी देखते कि वो कॉम्बी यहाँ पे 4 पॉइंट यूज़ करता है कि नहीं। सो उसने वापस से 4 पॉइंट यूज़ किया नहीं, तो हम लोग एक काम कर लेते हैं, हम लोग 4 पॉइंट दे रहे शील्ड में एंड 3 पॉइंट को वापस से कर रहे होल्ड। सो कॉम्बी ने भी यहाँ पे जो है ना 4 पॉइंट को शील्ड में दे दी थी। अभी देखते वो अटैक कब करता है। तो यहाँ पे 4 में से 4 ही पॉइंट अटैक कर दी, जो कि हमारे लिए अच्छी बात है। तो हम लोग एक काम कर लेते हैं, अभी यहाँ पे दे रहे हम लोग 2 अटैक में 4 पॉइंट को शील्ड एंड 1 पॉइंट को वापस से कर रहे होल्ड। क्योंकि हमें पता है अगर एक फटका भी हमें पड़ा ना भाई, लास्ट मैच की तरह हम लोग बहुत गंदी तरीके से हारने वाले। सो इसलिए अभी तो हम लोग फिलहाल के लिए होल्ड करते हैं। अभी कॉम्पी भी डाउन हो चुका है, अभी फाइनल डाइनो। ओके यहाँ पे फाइनली उसने 4 पॉइंट ही अटैक कर दी, तो हमें पता है कि उसके पास शील्ड नहीं है। सो अपने ही चांस है, अभी जाके फाइनली हम लोग ने इतना ग्रीन कैश यूज़ कर लिया। तो फाइनल अटैक के साथ हम लोग यहाँ पे ओपोनेंट का फाइनल डाइनो को तो यहाँ पे उड़ा दिया है। अभी बस देखना है कि हम लोग इतना ग्रीन कैश यूज़ किया, एटलीस्ट हमें एक लेजेंडरी वाला डाइनो दे दे। अगर कॉम्पी भी नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं, बट हम जस्ट विश कर रहे कि हमें एक लेजेंडरी वाला डाइनो दे दे वापस से। लाइक मेरे को वापस से सेम डाइनो दे दी भाई। मैंने ग्रीन कैश इतना सारा यूज़ किया भाई, अपना किस्मत इतना ज़्यादा ख़राब है ना कि हमें वो मिल ही नहीं रहा है। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। अभी ये इवेंट जा ही चुका है, तो अभी खास हम लोग कुछ कर नहीं सकते। शायद ये इवेंट वापस से आने का चांसेस है 1 डे के बाद। सो देखते हैं कि मे बी हमें वहाँ पे अपना लक शायद मिल जाए। सो लेट्स से अभी के लिए तो क्या ही कर सकते हैं। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और ये भी बताना कि आज का जो एपिसोड है वो आपको कैसा लगा। यहाँ पे जो है ना हम लोग ने वापस से वो लूनर वाला जो इवेंट था उस पर यहाँ पे बैटर लिया एंड वापस से हमें वो लेजेंडरी तो दूर की बात सुपर रियर, तो भाई सोचो ही मत, हमें यहाँ पे एक रियर वाला डाइनो वापस से दे दिए। अभी क्या ही कर सकते जब किस्मत साथ नहीं दे रहा। फिर भी हम लोग अपना किस्मत जो है ना उसको आजमाते रहेंगे एंड नेक्स्ट एपिसोड में अगर हमें ये इवेंट वापस से मिला तो वापस से बैटर लेके ओपी से ओपी रिवार्ड क्लेम करने का कोशिश करेंगे। पता नहीं कितना मिलने वाला है, फिर भी कोशिश करना हम लोग कभी नहीं छोड़ेंगे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तभी तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।